साउथ चाइना सी से उठा सुपर तूफान यागी चीन के दक्षिण तट से टकरा गया है। तूफान ने चीन के हैनान प्रांत में दस्तक दी है। इसकी वजह से हैनान के 4 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। तूफान यागी भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे हैनान के वेनचांग शहर से टकराया। सुपर तूफान की वजह से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यागी इस साल दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान है। इसकी वजह से हैनान में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा रेल और बोट सेवाएं भी रोक दी गई हैं। प्रभावित इलाकों में सभी पार्कों को बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार तूफान के आने से पहले ही 4,19,367 लोगों को प्रभावित इलाकों से हटा लिया गया था। इसके पहले इसी हफ्ते यागी की वजह से फिलीपींस में 16 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस तूफान ने और अधिक रफ्तार पकड़ ली। यागी तूफान हैनान और ग्वांगडोंग प्रांत से होते हुए बेइबू खाड़ी की तरफ बढ़ेगा।